होली के त्यौहार के चलते ये जिले भर में होली की धूमधाम रही। वहीं होली के अगले दिन भाई दूज का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां बहन भाई एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वहीं ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने किसी न किसी वजह से वे इस बार जेल में बंद हैं। इसको देखते हुए बहनें अपने भाइयों से मिलने जेल पहुँच रही हैं, जहाँ वे अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना के साथ उनसे मिलने पहुँची हैं। वहीं भाई भी अपने बहन से मिल रहे हैं। इसके चलते गुना जेल के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है, जहाँ नाते रिश्तेदार अपने जेल में बंद परिजनों से मिलने पहुँच रहे हैं। जेल में बंद भाइयों से मिलने पहुँची बहन यहाँ उन्हें देखकर भावुक होकर रो पड़ती है, तो वहीं उन्हें हिम्मत दिलाती हैं कि जल्दी वो जेल से बाहर हो जाएंगे। और जेल के बाहर बहनों की संख्या की कतार लगी हुई है। बताएं, आज भाई दूज के उपलक्ष्य में जो आप जेल में मिलने आए थे, किससे मिलने आए थे? जितेंद्र सिंह सिसोदिया। क्या किया था उन्होंने? हमें मालूम नहीं, मैं पैसे मिलने आए। अच्छा, यहाँ आप लोग मिलने आए हैं आज भाई दूज का पर्व है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है आपको मिलने में? मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं बेटा, कोई। क्या नाम है आपका? दीप्ति देवी। जी सर, बताइए, आप जो मैंने मिलने आ रही है होली पर, क्या कैसे समस्या? असल में क्या है कि होली के समय में जो भाई दूज का कार्यक्रम होता है, पहले भी होता था पर खुली मुलाकात कराई जाती थी, लेकिन कोरोना जब से चालू हुआ लगभग लगभग 2 साल 2.5 साल के आसपास ये बंद हो, लेकिन पिछले साल माननीय जेल मंत्री महोदय और डी जी साहब के निर्देश प्राप्त हुए कि महिलाओं को, क्योंकि ये एक संवेदनाओं का त्यौहार है, उसी संवेदनशीलता के साथ में जितनी बहनें आती हैं उनको अपने भाइयों से बुलाया जाता है और उनकी रूबरू मुलाकात कराई। जेल में जो बहनें अपने भाइयों से मिलने आती हैं तो उनको किन किन गाइडलाइनों का पालन करना पड़ता है? उनको वो जो जैसे उनको वो गाइडलाइन पालन करें, मोबाइल नहीं लाए, जो जेल की कायदे सुरक्षा के लिए घातक है, ऐसी कोई सा भी आइटम उनको नहीं प्रोवाइड किया जाता। और बाकी चूँकि कहते हैं डिजिटल वगैरह का कहना था कि कहते हैं क्योंकि त्यौहार है इसलिए मिठाई विठाई वगैरह आप लोग अलाउ कर सकते हैं, तो वो उनको दी जाती है। सर, जिस तरीके से जैसे आपका कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट साहब की गाइडलाइन के अनुसार मिठाई वगैरह लगाने लाने के लिए प्रतिबंधित नहीं है, ला सकते हैं, तो इसमें चेकिंग की जा रही है? कोई चेकिंग? हाँ, चेकिंग की जा रही है। अभी हम पिछले दिन काफ़ी देर से कर लो, जो पैकेट आ रहे हैं या थैले में के लेके आ रहे हैं उनकी चेकिंग तो नहीं दिखाई दी? नहीं, वो उधर नहीं हो रही है, बाहर अंदर अभी जैसे ये लेके जाएंगे जी, उस समय हमको चेकिंग लेके आ रहे हैं उस समय, तो वही देखा गया है कि मीडिया के माध्यम से हम काफ़ी देर से बाहर की साइड में इसलिए नहीं करते क्योंकि बाहर की साइड में हो सकता है कुछ लोग आपत्ति करने लगे, तो वो अंदर में अंदर आने के बाद चेकिंग की जाएगी। हाँ, एक एक आदमी आता है उनकी चेकिंग हो जाती है।